नमस्कारम एवरीवन। तो आज हम बायोटेक का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि बायोटेक के क्या क्या यूजेस हैं। अब चैप्टर काफी छोटा है, टोटल 2.5 पेज का माइंड में बना हुआ है। ठीक, तो ये बाकी हम हटा देते हैं, पहला पेज पढ़ते हैं पहले। तो जैसे मैं बता रहा था, चैप्टर काफी छोटा है और काफी कम क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, लेकिन 4-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे लगातार नीट क्वेश्चन पूछता है। तो अभी मैं पढ़ाते समय एक बार आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और उसी समय मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवा दूंगा वो 4-6 टॉपिक जिससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी नीट क्वेश्चन पूछता है उन्हीं 4-6 टॉपिक्स में से पूछता रहता है। तो वो 4-6 टॉपिक आप मार्क कर लीजिएगा, उनको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक, और बाकी पूरा चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक, तो बाकी वो 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बताता है कि बायोटेक में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है, इनको बोला है क्रिटिकल रिसर्च एरियाज। इसमें पहला है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट प्रोवाइड कराना। दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कैटलिस्ट, यानी उस कैटलिस्ट के लिए ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना। ऑप्टिमल कंडीशन मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें वो कैटलिस्ट मैक्सिमम काम कर सके। तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड, यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग मेथड्स ढूंढना। ठीक, तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में यही टॉपिक है जिसको कहते हैं बीटी कॉटन। ठीक है, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो बीटी कॉटन एक बेसिकली वेराइटी है कॉटन की, और इसमें जो वर्ड बीटी है ये आता है बैसिलस थुरिंजेंसिस से, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस जो होता है इसी से बीटी लिखे हुए हैं। अब जो ये बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये बीटी टॉक्सिन सेक्रेट करता है। टॉक्सिन मतलब कोई ऐसा चीज जो जहरीला होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का टॉक्सिन होता है जिसे बीटी टॉक्सिन कहते हैं। अब बीटी टॉक्सिन इस बैक्टीरिया को नहीं मारता है क्योंकि इसी बैक्टीरिया के अंदर है, फिर भी इस बैक्टीरिया को नहीं मारता है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक, तो ये इसके अंदर इनएक्टिव बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो एक्टिवेटेड बाई एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ द इंसेक्ट, तो जो इंसेक्ट इसको खा लेता है उसके गट में आप कह लीजिए एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक, तो उसके गट में जो एल्कलाइन पीएच होता है उससे ये टॉक्सिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो एल्कलाइन पीएच मतलब बेसिक पीएच, यानी 7 से ज्यादा। ठीक है, तो एल्कलाइन पीएच ऑफ गट जो होता है इंसेक्ट का उसी से ये एक्टिवेट होता है। तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि एल्कलाइन पीएच चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके जीन के बारे में। क्राई जीन नाम का जीन होता है जो कि ये टॉक्सिन बनाता है, और इस जीन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। जैसे क्राई 1AB जो है ये कॉर्न बोरर को किल करता है, क्राई 2AB और क्राई 1AC जो है ये कॉटन बॉलवर्म को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप टारगेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, तो जिसका टारगेट करना हो उसके अकॉर्डिंग जीन ले सकते हैं। अब कौन कौन से इंसेक्ट्स को मार सकता है, ये इंसेक्ट को मारता है जनरली। ठीक, तो कौन कौन से इंसेक्ट को, लेपिडोटेरन्स में टोबैको बॉलवर्म और आर्मी वर्म को, सिलियोप्टेरन्स में बीटल्स को, और डिप्टेरन्स में फ्लाइज और मस्कीटोस को, तो इनको ये मार सकता है। तो ये बीटी कॉटन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और यही इतनी चीजें आपको बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं मेलाडीगाइन इनकॉग्निशिया। मेलाडीगाइन इनकॉग्निशिया जो है एक तरह का नीमेटोड है, और ये रूट्स ऑफ टोबैको को इन्फेक्ट करता है, यानी तंबाकू का जो पेड़ होता है उसकी रूट्स को। ठीक, अब इसको स्टॉप करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया गया, जिसको आरएनएआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स में सेलुलर डिफेंस का मेथड होता है। इसका मतलब सेलुलर डिफेंस मतलब क्या होता है, सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को बचाव करने के लिए इस मेथड का यूज किया, मतलब इस मेथड का यूज करती हैं। ठीक, अब इसमें करते क्या है, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम एक एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं। साइलेंसिंग मतलब क्या होता है, एमआरएनए को हम प्रोटीन नहीं बनने देते। आपने सेंट्रल डोगमा पढ़ा था, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो हम आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देते हैं। ठीक है, तो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए करते हैं बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज करके। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये कैसे हम, मतलब इसका सोर्स क्या हो सकता है, कैसे हम इसको ले सकते हैं, कहां से हमें ये मिलता है, तो ये हमें वायरल इन्फेक्शन से मिल सकता है। यानी किसी कोई वायरस है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उससे हमने निकाल लिया, उस वायरस से हमने इन्फेक्शन करा दिया और उसके थ्रू हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल गया वायरल इन्फेक्शन से। ठीक, दूसरा ट्रांसपोजॉन से। ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल मतलब जो चल सके, ठीक, मूव कर सके, जैसे न्यूक्लियस से सेल साइटोप्लाज्म में आ सके, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सके। ठीक है, तो पूरा जीनोम नहीं, सिर्फ वो जेनेटिक एलिमेंट मूव कर सके, ऐसा नहीं पूरा क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गया न्यूक्लियस से, ऐसा नहीं है।
तो ये जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े समझ लीजिए, जीन्स के टुकड़े होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से जा सकते हैं, ऐसा। तो ये होता है ट्रांसपोजन, ठीक है। तो इनको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं, इनसे भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल सकता है, ठीक। तो ये हो गया मेलाडिकाइन इनकॉग्निशिया का केस। अब आते हैं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिंस, कई मेडिसिन बनाई गई हैं, टोटल 30 अप्रूव्ड इन वर्ल्ड, दुनिया में 30 अप्रूव्ड मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हमने इस समय बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, 30 अप्रूव्ड मेडिसिन है टोटल दुनिया में, उसमें से 12 ऐसी हैं जो कि इंडिया में मार्केट की जाती हैं, यानी इंडिया में यूज की जाती हैं, ठीक। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, 30 अप्रूव्ड मेडिसिन इन वर्ल्ड और 12 मार्केटेड इन इंडिया, यानी 12 मेडिसिन मार्केट की जाती हैं भारत में। अब आते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी छोटा है, कुछ खास याद रखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाई इली लिली, तो पहले इंसुलिन को क्या करते थे हम, किसी जानवर से निकालते, स्लॉटर्ड जानवर, स्लॉटर मतलब जो जिसका मतलब जिसको मार दिया गया हो, तो जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते थे उनसे हम इंसुलिन निकालते थे, ठीक है। जैसे स्लॉटर काऊ हो गई और पिग हो गया, तो इनसे हम इंसुलिन निकालते थे, उसी इंसुलिन को ह्यूमन में डाला जाता था। लेकिन वो इंसुलिन क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन में जो सेल्स होती हैं वो पहचान जाती हैं कि कौन अपना है कौन दूसरे का है, तो उससे रिएक्शंस होने लगते थे। जो एनिमल का इंसुलिन होता था, जब इंसुलिन डाला जाता था तो कई बार उससे रिएक्शन होने लगते थे, कई लोगों को सूट नहीं करता था वो, तो हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया, ठीक है। तो अब हम एनिमल से निकालते भी नहीं, एनिमल को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये अच्छी बात है, मारना भी नहीं चाहिए था। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है, ये इली लिली नाम की एक कंपनी ने बनाया, एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि 1983 में इंसुलिन को बनाया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, यूज ई कोलाई टू प्रोड्यूस ए एंड बी चेन सेपरेटली, तो इन्होंने ई कोलाई का यूज किया ए और बी चेन अलग अलग बनाने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए दो इन्होंने प्लेट ले ली, एक प्लेट ये यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे, इन दोनों प्लेट में एक में ए वाली चेन बना ली इंसुलिन की और दूसरे में बी वाली इंसुलिन की चेन बना ली, ठीक। अब इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें तीन चेन होती हैं, ए बी और सी, ये जो है ये प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव इंसुलिन, तो ये इस फॉर्म में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। जब इसमें तीनों चेन होती हैं तो इसमें ये काम नहीं कर सकता, तो इसमें तीन चेन है देखिए ए बी सी, अभी ये काम नहीं कर सकता। अब जब हम इसमें से सी चेन को काट के हटा देते हैं और ए और बी जो चेन है इनको जोड़ देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तब ये काम करता है, इसको मैच्योर इंसुलिन या फिर सिंपली इंसुलिन कहते हैं, ठीक। तो इसमें ए बी सी तीन चेन होती है, कौन सी हटानी है, सी हटानी है, सी चेन हम काट के हटा देते हैं, बचेगी ए और बी चेन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको जोड़ देंगे, डाइसल्फाइड यानी दो सल्फर है देखिए, तो इसी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला गया, ठीक है। यहां भी देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये चेन्स जुड़ी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इली लिली कंपनी ने क्या किया था, ए और बी चेन अलग अलग बनाई थी और ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था, ठीक। सी चेन इन्होंने बनाया ही नहीं, क्योंकि सी चेन हमें चाहिए ही नहीं मैच्योर इंसुलिन में, ठीक है। तो ये प्रो इंसुलिन है यानी इनएक्टिव और ये मैच्योर यानी एक्टिव इंसुलिन है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज, काफी छोटी चीजें थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था बीटी कॉटन और इंसुलिन और ये पॉइंट कि 30 अप्रूव की गई है वर्ल्ड में और 12 इंडिया में मार्केट की जाती है, ठीक। अब आते हैं सेकेंड पेज पे, तो सेकंड पेज पे हमें सबसे पढ़ना है, पहले पढ़ना है जीन थेरेपी के बारे में, जीन थेरेपी टू क्योर जेनेटिक हेरिडिटरी डिसीज, हम इसे जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी डिसीज क्योर करते हैं। हेरिडिटरी डिसीज मतलब जो आपके माँ बाप से आपके फैमिली से आपको डिसीज मिल गई है वो हेरिडिटरी डिसीज उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब पहली जीन थेरेपी जो थी 1990 में दी गई थी टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी 4 साल की छोटी सी बच्ची थी उसको दिया गया था पहली जीन थेरेपी। इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या थी इस बच्चे में, एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की डिफिशियंसी थी, डिफिशियंसी मतलब कमी होता है, एडीए एक तरह का एंजाइम होता है जो आपकी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है, इम्यूनिटी बनाए रखता है। तो एडीए जो होता है यानी एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी डिफिशियंसी हो गई थी और इसी वजह से इसको जीन थेरेपी देना पड़ता है ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडीए। ये होता क्यों है, क्योंकि जो जीन होता है एडीए का वो डिलीट हो गया रहता है। अब जीन क्यों है नहीं, क्योंकि जीन है नहीं तो जीन से मतलब ना आरएनए बनेगा और ना आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो इसी वजह से जब जीन नहीं रहता है तो वो एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन पाता है, ठीक। अब इसमें किया क्या गया, क्योर क्या था, इसमें तीन ऑप्शन थे,
पहला ऑप्शन था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जो बोन मैरो था लड़की का वो ट्रांसप्लांट किया जाता। दूसरा ऑप्शन था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी एंजाइम को बार बार इंजेक्शन से दिया जाता, यानी हम कहीं से एडीए बना लेते और उस एडीए को इंजेक्शन के थ्रू उस लड़की को बार बार देते, ठीक। लेकिन ये दोनों मेथड जो है डोंट क्योर कम्प्लीटली, कम्प्लीटली क्योर नहीं करते थे ये दोनों मेथड्स, ठीक है। साथ में बहुत ही ज्यादा महंगे भी होते थे, खासकर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक। तो ये इनमें प्रॉब्लम थी। तो तीसरा मेथड था जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करते थे, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट्स इज ग्रोन इन आउटसाइड कल्चर। हम जो पेशेंट होता था उसके ब्लड से लिम्फोसाइट निकाल लेते थे। लिम्फोसाइट एक तरह की समझ लीजिए इम्यूनिटी में हेल्प करने वाली सेल होती है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आप पढ़ेंगे होंगे। तो लिम्फोसाइट हम ब्लड से निकाल लेते थे और उसको बाहर कल्चर बना के उसको ग्रो करते थे। फिर उस लिम्फोसाइट के अंदर हम फंक्शनल एडीए डालते थे, ठीक। ऐसा एडीए डालते थे जो काम करता हो। और फंक्शनल एडीए सीडीएनए, सीडीएनए मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री समझ लीजिए पूरा करने वाला। तो मतलब हम ऐसा डीएनए डाल देते थे जो कि उस सेल को पूरा कर देता था, पूरी तरीके से फंक्शनल कर देता था, ठीक है। तो सीडीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अच्छा, ये लाइन थोड़ी आपको अजीब लग रही होगी लेकिन एनसीईआरटी ने एकदम इसी तरह लाइन लिखा है, तो इसी तरीके से मैंने भी लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक। तो फंक्शनल एडीएनए सीडीए, एडीए सीडीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन लिम्फोसाइट एंड गिवन टू पेशेंट्स, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, फंक्शनल एडीए को लिम्फोसाइट में डाल देंगे सीडीएनए के थ्रू, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यूज करके, और फिर वापस पेशेंट्स में डाल देंगे, ठीक। तो अब जो लिम्फोसाइट पेशेंट के अंदर होगी उसके अंदर एडीए एंजाइम होगा, एडीए एंजाइम बनेगा और इम्यूनिटी उसकी बनी रहेगी, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है जीन थेरेपी में, क्या लिम्फोसाइट और नॉट इमॉर्टल। लिम्फोसाइट जो होती है इमॉर्टल नहीं होती, यानी हमेशा नहीं जिंदा रहती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हर सेल का अपना अपना टाइम होता है, कभी कभी खत्म हो जाती है, जैसे आरबीसी जो है 120 दिन में मतलब मर जाती है, ठीक। तो ऐसे ही लिम्फोसाइट जो होती है इमॉर्टल नहीं होती या अमर नहीं होती है, ठीक है, ये भी मर जाती है। तो सो पेशेंट्स नीड अ न्यू लिम्फोसाइट पीरियोडिकली। तो पेशेंट्स को क्या होता है कि नई नई लिम्फोसाइट बार बार देनी पड़ती, पीरियोडिकली मतलब टाइम टाइम पे उसको, जैसे दो दो तीन तीन महीने में जिस हिसाब से लिम्फोसाइट का टाइम होता है डेथ होने का, तो उसी अकॉर्डिंग इसको लिम्फोसाइट नई नई देनी पड़ती है। ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक। अब इसका इस ड्रॉबैक को ठीक किया जा सकता है, लेकिन कैसे, इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो इज इंट्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। अगर हम बोन मैरो से जीन को आइसोलेट करें, किसी दूसरे इंसान के बोन मैरो से जीन को आइसोलेट करें और उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस लड़की के अंदर डाल देते, जब वो लड़की एम्ब्रियो के स्टेज में थी तब डाल देते, तब ये परमानेंट क्योर हो सकता था। लेकिन इसमें भी बड़ी दिक्कत है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में फिर हर आदमी का देखना पड़ेगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसको दिक्कत है या नहीं, ठीक है। तो ये भी काफी मतलब खर्चीला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो हालांकि ये परमानेंट क्योर हो सकता था अगर हम बोन मैरो से जीन को आइसोलेट करके एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल देते, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम डाल देते तो वो जीन लगातार हर एक सेल में बढ़ जाता, ठीक। तो हर एक सेल में एडीए बन सकता था फिर, मतलब सारी लिम्फोसाइट्स में एडीए बन सकता था फिर। तो ये हो गया जीन थेरेपी के बारे में। अब आते हैं, अच्छा जीन थेरेपी में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले डेट याद रखिएगा, 1990 में 4 साल की बच्ची को दी गई थी और एडीए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक। ये खासकर अच्छे से ध्यान रखिएगा ये तीन चीज। अब आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब, जैसे डायग्नोसिस मतलब होता है जो डॉक्टर्स आपकी जांच करते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल मेथड्स क्या होते थे, कन्वेंशनल मतलब पुराने मेथड्स, एक है यूरिन एनालिसिस और एक है सीरम एनालिसिस, आज भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं पुराने ही है, ऐसा नहीं है, आज भी यूज किए जाते हैं और काफी इफेक्टिव भी है। तो यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस काफी अच्छे मेथड्स है, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब जब तक सिम्पटम ना दिखे तब तक डिटेक्ट नहीं हो सकती डिसीज। जैसे आपको जब सिम्पटम दिखने लगे, उस डिसीज के लक्षण दिखने लगे, तभी आप जाएंगे यूरिन एनालिसिस कराने या सीरम एनालिसिस, तभी तो डॉक्टर लिखेगा जब आपके अंदर सिम्पटम या फिर लक्षण दिख रहे हो। अगर लक्षण आपके अंदर दिख ही नहीं रहे हैं तो आप यूरिन एनालिसिस या सीरम एनालिसिस डॉक्टर आपको बोलेगा ही नहीं कराने को, ठीक। तो ये यूरिन या फिर सीरम एनालिसिस जो है ये अर्ली डिटेक्शन नहीं पॉसिबल इसमें, ठीक है। अब दूसरा आता है मॉडर्न मेथड, जिसमें है पीसीआर और एलाइजा। ये ऐसे मेथड है जिसमें आपको मतलब लक्षण आने के पहले ही बता दिया जाएगा कि डिसीज है या नहीं है, ठीक।
पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जस्ट अभी 2-3 चैप्टर पहले आपने पढ़ा था। पीसीआर में हम एक छोटा डीएनए लेते हैं और उसको किसी ना किसी प्रोसेस से, 3 स्टेप होते थे, उन्हीं 3 स्टेप का यूज करके हम बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, लगभग 1 बिलियन टाइम्स बड़ा कर देते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो पीसीआर क्या होता है, कैन डिटेक्ट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन। मान लीजिए कोई पैथोजन है, उसका बहुत ही थोड़ा कंसंट्रेशन है, तब भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू, ठीक है। पीसीआर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके जीन को एम्पलीफाई कर देंगे बहुत ज्यादा, ठीक। तो उससे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक पीसीआर मेथड हो गया। दूसरा हो गया एलाइसा। एलाइसा फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो होता है एलाइसा, यानी कि ये डिटेक्ट एड्स, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। हालांकि मैंने इसका फुल फॉर्म यहां क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपका ये ह्यूमन हेल्थ और डिसीज जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में अच्छे से बताया गया, ठीक है। तो एड्स वाला एक पूरा टॉपिक ही है उसमें, तो उसमें अच्छे से आपको इसमें बताया गया है, तो आप वहां पे पढ़ लेंगे, इसी वजह से मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा। फुल फॉर्म अगर आपको ध्यान रखना है तो याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो टू डिटेक्ट एड्स, ये एड्स को डिटेक्ट कर देता है बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलाइसा के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किस चीज पे बेस्ड है, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो कोई भी पैथोजन घुसता है जब, या फिर कोई भी बैक्टीरिया कोई वायरस घुसता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिएट होती है और उन्हीं के इंटरेक्शन पे ये बेस्ड है, ठीक। तो ये हो गया एलाइसा। अब आते हैं इस टॉपिक पे, बायोपायरेसी आखिरी टॉपिक है हमारा। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज और पीपल कंसर्न टू इट और विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। अब इसको समझो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, बायो का रिसोर्स का यूज करना बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। एमएनसी आपने सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी जो कि एक से ज्यादा देशों में होती है, ठीक। विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम कंट्री, मतलब जिस कंट्री का वो रिसोर्स है उससे कोई ऑथोराइजेशन ना लेना, उससे कोई परमिशन ना लेना। पीपल कंसर्न टू इट, या फिर जिस लोगों का वो रिसोर्स है उनसे कोई ऑथोराइजेशन ना लेना। विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, और उनको कोई भी कंपनसेटरी पेमेंट भी ना देना, ठीक। तो इसको कहते हैं बायो पायरेसी। अब इसका एग्जांपल एनसीईआरटी दिया है बासमती राइस। जैसे हमारे यहाँ राइस जो होता है इसकी 2 लाख वैरायटीज हैं इंडिया में, ठीक है। बासमती राइस जो है इसकी 27 वैरायटी है इंडिया में। अब 1997 में एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने क्या किया, बासमती राइस को एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस कर दिया और इसको बोल दिया कि इट वॉज अ न्यू वैरायटी। अब इसको नई वैरायटी घोषित कर दिया, ठीक। तो बासमती इन्होंने ली और बासमती को एक सेमी डॉर्फ के साथ क्रॉस करके उसको नई वैरायटी बना दिया और उसका पेटेंट ले लिया। पेटेंट मतलब उसका अधिकार ले लिया। अब इनके, जब तक इनके पास पेटेंट है तब तक इनके परमिशन के बिना बासमती राइस को हम कहीं भी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक। तो ये तरीका बासमती राइस का इन्होंने निकाला था, लेकिन हालांकि बाद में इंडिया ने जब प्रोटेस्ट किया तो ये फिर मतलब वहां से हटाना पड़ा, इनको पेटेंट इनका कैंसिल करना पड़ा था, ठीक। तो मतलब सब यही होता है बड़े बड़े देश, ठीक है। तो ये हो गया बायो पायरेसी का केस जो कि आपने देख लिया अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, और बायो पायरेसी के बारे में एक और पॉइंट है जो कि हम अभी तीसरे पेज में पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा पेज कंप्लीट हो गया, अब आते हैं तीसरे पेज पे। तो ये है हमारा तीसरा पेज, जो इसमें सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में, ठीक। उसके पहले एक वर्ड समझ लीजिए, जीएमओ। जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन्स जो है वो मॉडिफाई किए गए हो, जिसके जीन या जिसके डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज किया गया हो, तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा है तो ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म क्योंकि लिखा हुआ है तो कुछ भी हो सकते हैं। अब जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं तो ये भी जीएमओ ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन ये सिर्फ एनिमल के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एनिमल कहा है, यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म कहा है। ऑर्गेनिज्म में एनिमल, प्लांट्स और इंसेक्ट सब आ सकते हैं, ठीक। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी क्या है, जीएमओ ही है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी है जो कि एनिमल्स है बेसिकली, ये है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर एनिमल्स विथ मैनिपुलेटेड डीएनए, यानी ऐसा एनिमल जिनका डीएनए जो है मैनिपुलेट किया गया हो, यानी चेंज किया गया हो। 95% आर माइस, यानी 95% इस समय जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस हैं। अब क्यों बनाते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, तो एनसीईआरटी ने 4-5 पॉइंट दिए हैं। पहला, टू स्टडी फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट आफ्टर जीन मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जीन को मॉडिफाई करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजियोलॉजी में क्या चेंज आएगा, डेवलपमेंट में क्या दिक्कत होगी, ये सारी चीजें हम पढ़ना चाहते हैं।
दूसरा टू स्टडी डिसीज, यानी डिसीज को उस ऑर्गन के ऊपर किसी डिसीज को पढ़ना चाहते हैं हम। मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ मॉडल बेसिकली उस एनिमल को कहा गया है। तो हमारे पास ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन हैं या ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जो कि कैंसर की स्टडी के लिए बनाए गए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्टडी के लिए, अल्जाइमर की स्टडी के लिए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्टडी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो हर डिसीज की स्टडी के लिए अलग अलग टाइप के जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो बनाए गए हैं। ठीक, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो ये इसके ऊपर काफी बनता है कि मॉडल जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं वो किसके किसके लिए हैं, किन चार डिसीजेस के लिए हैं। ठीक है, तो कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस समय हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब है। अब आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कुछ प्रोडक्ट्स को पाने के लिए, जैसे अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो होता है एम्फाइसिमा को क्योर करता है, ये हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ही निकालते हैं। इसके अलावा पहली ट्रांसजेनिक काउ जो थी रोजी नाम था इसका, और ये इसमें क्या खासियत थी, प्रोटीन रिच मिल्क देती थी। इसका दूध जो होता था इसमें प्रोटीन ज्यादा होता था, प्रोटीन कितना होता था 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी एक लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन होता था। ठीक, तो इसका प्रोटीन इसमें काफी ज्यादा होता था इसके मिल्क में। हैव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, इसके अलावा इसके मिल्क में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन भी पाया जाता था, जो कि हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से तो अच्छा ही होता होगा। बेटर फॉर बेबीज, इसके अलावा एनसीईआरटी लिखता है कि जो नॉर्मल दूध होता है उससे, नॉर्मल गाय का दूध, उससे ज्यादा अच्छा ये दूध था इसके बेबीज के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पिलाने के लिए नॉर्मल गाय का दूध जो होता है उससे ज्यादा अच्छा इसका दूध था। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पूछिए, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 2.4 ग्राम पर लीटर जो प्रोटीन था उसकी मात्रा कितनी थी, 2.4 ग्राम लीटर प्रोटीन जो था ये पाया जाता था रोजी के दूध में। ठीक, अब आते हैं टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी, यानी हमने कोई वैक्सीन बनाई तो उसको सेफ्टी, उसकी सेफ्टी चेक करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसजेनिक माइस जो है वर यूज टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो वैक्सीन बनाई गई थी उसकी सेफ्टी टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया था। कैन रिप्लेस मंकी, अब जो ट्रांसजेनिक माइस है ये रिप्लेस कर सकते हैं मंकीज को, क्योंकि जनरली हम मंकी के ऊपर टेस्ट करते थे। ठीक, तो हमारा मंकी को और फिजियोलॉजी थोड़ा काफी ज्यादा मिलता है ना, तो इस वजह से हम क्या करते थे, मंकीज के ऊपर टेस्ट करते थे, और ये काफी पेनफुल हो सकता है। ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा दर्द होता है उन लोग को, कई बार बहुत खतरनाक मौत होती है। ठीक, तो ये मतलब सही नहीं होता है, तो अब हम ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं, पहले हम मंकीज को यूज करते थे। दर्द इनके अंदर भी होता होगा लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप लोग भी ढूंढिए ऐसा कि ये भी इनकी भी जरूरत ना पड़े। तो अगला पॉइंट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, यानी किसी हमने केमिकल को बनाया उसकी सेफ्टी चेक करने के लिए, कहते हैं ये कोई दवाई हमने बनाई उस दवाई की सेफ्टी चेक करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे टू टेस्ट टॉक्सिसिटी ऑफ सब्सटेंसेस या फिर ड्रग्स, सब्सटेंस या फिर ड्रग्स की, ड्रग्स यहाँ मतलब मेडिसिन की। ठीक, तो इसकी टॉक्सिसिटी देखने के लिए कितना वो खतरनाक है या कितना अच्छा है, इसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो ये हमारे 5-6 यूजेस हो गए ट्रांसजेनिक एनिमल के। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है, थोड़ा सा छूट गया था पिछले वाले पार्ट में, हमने आपको बायोपायरेसी बताया था ना, इसमें हमने बताया था पेटेंट के बारे में, और इसके अलावा हमने बताया था आपको, हाँ पेटेंट के बारे में बताया था। ठीक, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में, तो इन्हीं दोनों के बारे में एक एक पॉइंट है। पेटेंट के बारे में क्या पॉइंट है, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, इंडियन पेटेंट बिल का जो सेकंड अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट मतलब समझ लीजिए चेंज। ठीक, तो इंडियन पेटेंट बिल का जो दूसरा वाला अमेंडमेंट था, दूसरा चेंज था, डील्स विद बायोपायरेसी एंड पेटेंट केसेस, ये बायोपायरेसी और पेटेंट केसेस के साथ डील करता है। ठीक, तो जो अमेरिकन कंपनी हमारा बासमती राइस चुरा ले गई थी वो इसी के थ्रू डील हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने बताया ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, तो ये इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जैसे आगे चल के ऐसे भी हो सकता है कि इंसान स्पाइडरमैन बन जाए। ठीक है, तो जीन्स का फेर बदल काफी ज्यादा, कई बार काफी ज्यादा अच्छा होता है, कई बार काफी ज्यादा ये पेनफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द भी होता है जो भी जानवर होते हैं, तो ये किस हद तक किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं होता कि हर जीन आप मिला के और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से एक कमेटी है जिसको कहते हैं GEAC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अगर आपके पास इनके द्वारा सर्टिफिकेट है तो भी मतलब तभी आप इसको जीन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एनिमल्स का। ठीक है, ऐसे अपने आप से नहीं कर सकते। तो GEAC का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो ये GEAC का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा, ये मतलब तय करता है कि आप कितना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर किस हद तक आप ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स या फिर
ट्रांसजेनिक मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के किस हद तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आखिरी पॉइंट और हमारा चैप्टर यहीं खत्म हुआ है। तो ये तीसरा पेज था और ये दूसरा पेज था और ये था पहला पेज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।